Hi students, this is Ankit and I'm going to teach you history for class 9. Today we will start section 2 of history, and that is livelihoods, economics and societies. I started with this chapter because as many of you are very aware of what is agriculture, forest. So this chapter is all about the uses of forest, how forests were exploited in India by Britishers, and how we managed to save our forests with the help of new technologies or new methods. Now I will speak the same in Hindi. हम क्लास 9 के हिस्ट्री के सेक्शन 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज. मैंने सेक्शन को इसीलिए चुना क्योंकि काफी सारे बच्चे, आप लोग फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर से वाकिफ है और आपको पता है कि फॉरेस्ट क्या है, उसके यूज क्या है. सो वी विल स्टार्ट विद दिस सेक्शन, एंड एज यू नो दैट आई विल स्पीक बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, एज आई हैव डन इन द क्लास. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो. तो हमारा चैप्टर है फॉरेस्ट, सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म. फॉरेस्ट मीन्स फॉरेस्ट, जंगल. सोसाइटी मीन्स समाज, और कॉलोनियलिज्म का मतलब हो गया कि जो भी कंट्रीज के कॉलोनीज हुआ करते थे, दैट इज इंडिया वॉज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, फ्रेंच have different colonies in different parts of the world. So basically the colonialism means कि वो country जिनके अलग अलग colonies होते थे different parts of the world में. तो ये chapter है forest, society and colonialism. अब मैं आपको ले चलूंगा कि हमें कितने chapters पढ़ने हैं class 9 में. So together we have to study 4 chapters. एक है French Revolution, दूसरा है Russian Revolution, और तीसरा है राइज ऑफ नाजिज्म एंड हिटलर. मैंने वो तीनों इसलिए नहीं चुना क्योंकि वी विल स्टडी ऑल दैट टुगेदर, सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं. दिस वन इज डिफरेंट. तो इन हिस्ट्री वी हैव टू स्टडी 4 चैप्टर्स ऑल टुगेदर, एंड द नेम ऑफ ऑल द चैप्टर्स आर, आई एम गोइंग टू टेल यू, विच आई विल राइट इट फॉर यू.